सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मस्त हैं और मज़े में हैं। ये ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस बार हम जाने वाले हैं चोपता तुंगनाथ ट्रैक पे। तो फाइनली आज हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। जो हमारे ट्रैकर्स हैं वो इस होटल में रुके हुए हैं। इस होटल की बात करें तो इसका नाम है होटल ऋषिकेश इन। सो गाइस, जब तक ट्रैकर्स नाश्ता करते हैं तब तक हम भी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं हमको नाश्ता करने का। तो अभी हम नाश्ता करते हैं और जैसे ट्रैकर्स का नाश्ता हो जाएगा हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। टोटल 31 लोग हैं, तो 3 टेम्पो लगे हैं यहाँ पे। एक टेम्पो ये है आपका और ये देखते हैं आप जो सामान है वो सारा डाला जा रहा है और 2 टेम्पो ये सामने वाले हैं। जो बैग हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से ऊपर बांध दिए है। ट्रैकर्स आ चुके हैं तो हम भी चलते हैं। रास्ते में हमको दिखाई दे एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी हमने सोचा क्यों ना इस मंदिर के दर्शन कराए जाएं बच्चों को। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कोडियाला में और कोडियाला में जैसे ही हम पहुंचते हैं हम क्या देखते हैं कि सामने पे एक मंदिर दिखाई दिया हमको जिसका नाम है सिर्फ पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो पातालेश्वर उसका नाम इसलिए पड़ा है कि जैसे हम आप लोग अंदर आते हैं, अंदर आते आते आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा पाताल में जा रहा है। मतलब जब आप चलोगे तो पूरा डाउन है पूरा मंदिर और जैसे ही आप डाउन में लास्ट में पहुँचोगे, लास्ट में पहुँचते ही आप देखोगे कि ये रास्ता आपका माँ गंगा के बिल्कुल जस्ट बगल में खुलता है। यहाँ से व्यू की बात करें तो कुछ इस टाइप से। तो कोडियाला को आप जानते हैं कि रिवर राफ्टिंग का हब बोला जाता है और क्यों बोला जाता है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही है। अभी कितनी सारी नाव है यहाँ पे, मजा आने वाला है क्योंकि सारे बच्चे बच्चे इस बार। सो गाइस, टाइम हो चुका है यहाँ से वापस जाने का। जितने भी हमारे ट्रैकर्स हैं सबको हमने बोल दिया कि अभी यहाँ से वापस जाना है क्योंकि हमको देवप्रयाग में भी रुकना है। सो गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं।
फॉलो दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज वेरी बेस्ट। आपको राफ्टिंग का शौक है, यदि आपको राफ्टिंग करनी है तो आप कोडियाला में आइए और यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएगी जो आपको राफ्टिंग करवा देंगे। तो अभी हम निकलते आगे की ओर। सो गाइस, हम कोडियाला से आगे निकल चुके हैं, तो अभी हम आपको डायरेक्ट देवप्रयाग में मिलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे जो ये सामने से आ रही है अलकनंदा है, जो कि आपके बद्रीनाथ से आ रही है सतोपंत ग्लेशियर से। और ये यदि नदी की बात करें, ये आपकी माँ भागीरथी है जो कि आपकी गोमुख से आ रही है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलके यहाँ पे गंगा बनाते हैं, यहाँ से माँ गंगा स्टार्ट हो जाती है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो देवप्रयाग का है, और ये सामने आप मंदिर देख पा रहे होंगे, ये आपका रघुनाथ मंदिर है। सो फाइनली गाइस, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद अब हम निकलते आगे की ओर। तो गाइज, श्रीनगर से आगे आने के बाद हम पहुंच चुके हैं धारकोट। धारकोट अभी लंच पॉइंट है, जितने भी बच्चे अंदर लंच कर रहे हैं, और अभी हमको भी भूख लग चुकी है तो हम भी लंच करते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे हम आगे की ओर। सो गाइज, सबका लंच हो चुका है और इसके बाद हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, और वहां पे आपको दिखाएंगे हम अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो चलते हैं। बताइए, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद हम जाने वाले हैं सारी प्लेस। इसके बीच में हम कहीं रुकेंगे भी? रुद्रप्रयाग संगम। किस चीज़ का संगम है वहाँ पे? वहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, अलकनंदा भागीरथी। अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग में। तो सर बताइए हमको कि कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पे, बताइए। वो अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है, और ये मंदाकिनी। गाइस देखिए आप, यह है संगम। तो यदि आप सामने देख पा रहे होंगे तो यह है आपकी अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और यहाँ पे आपकी मंदाकिनी है जो कि आपकी केदारनाथ से आ रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। यह आपका पूरा का पूरा रुद्रप्रयाग शहर है। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं ऊखी मठ। सो गाइज, ओंकारेश्वर मंदिर की जब हम बात करें तो ये पांच केदारों में एक है, जो हमारे केदारनाथ है। केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है यहीं पे होती है ऊखी मठ में। जितने भी ट्रैकर्स हैं सब यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, तो अभी हम भी दर्शन करेंगे। सो हेलो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं सारी गांव में, ये चाय और पकौड़े के साथ ये सारी गांव। हमने देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप सामने में, ये है चंद्रशिला पीक जहां पे हम परसों जा रहे हैं।